नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोको एक्स थ्री के लिए ओक्टा वीओएस, जो कि एक काफी अच्छा रोम है, जो कि 2.8 वर्जन देखने को मिलता है ऑफिशियल बिट। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। पहले इस रोम की यूआई की बात करें तो जो आप इसमें आइकन पैक देख रहे हैं, ये इसका डिफॉल्ट आइकन पैक है। मैंने कोई भी इसमें कस्टम आइकन पैक नहीं डाला है, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन पैक हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह थोड़ा बहुत मैंने कस्टमाइज किया, जिसका कि कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे ओक्टा वी लैब में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा कस्टमाइजेशन हब देखने को मिलता है। ओक्टा वी थीमिंग में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह का ऑप्शन और सेटिंग स्टाइल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मी वाई है, मैंने इस टाइम पे मी वाई का आइकन लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा आइकन्स है, ये सारे मी वाई वाले ही आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है इस रोम को। और ये रोम में थोड़ा सा यूनिक यूआई भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड में इसका सारा आइकन देखने को मिलता है, जबकि जनरली सभी रोम्स में आपको लेफ्ट साइड में ही आइकन्स देखने को मिलते हैं। ये एक इसका यूनिक सा यूआई है, जो कि मुझे डेफिनेटली पसंद आया। इस रोम में आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, हर एक डिटेल को इसमें कस्टमाइज कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बैटरी बैकअप डिसेंट इसका देखने को मिलता है, बहुत खास इसका बैटरी बैकअप नहीं है, लेकिन आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ डेली ड्राइवर रोम। ज़्यादा बेकार भी इसका बैटरी बैकअप आपको देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल यूजेज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं तो थोड़ा आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकालता है। जैसा कि मैं इसका ग्राफ वगैरह आपको दिखा देता हूँ, स्कोर वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्कोर 531 और मल्टी कोर में स्कोर 1598 देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट सा ही स्कोर देखने को मिला है, इसमें कोई खास स्कोर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसका थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा इसका है, कोई भी इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्ट नहीं, और मैंने इसमें पबजी लाइट वगैरह खेला, बिल्कुल परफेक्टली ये चलता है, कोई भी इसमें फ्रेम ड्रॉप या मुझे लैग देखने को नहीं मिला, बिल्कुल स्मूथली ये रन करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है इस रोम में। इस वजह से इसका थोड़ा बैटरी बैकअप अगर डिसेंट भी है तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ये रोम दे देता है और कस्टमाइजेशन में इसमें काफ़ी यूज मिल जाते हैं और ओवरऑल ब्यूटीफुल यूआई इसका देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से कि मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ एज अ डेली ड्राइवर रोम। अगर आप चाहें तो आप भी डेफिनेटली इसको एज अ डेली ड्राइवर रोम के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसमें आपको गेमिंग वगैरह भी देखने को मिल ही जाता है। काफ़ी अच्छा रोम मुझे पर्सनली लगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है इस रोम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस रोम में मुझे। डेफिनेटली मैंने इसे काफ़ी टेस्ट किया, इसमें कोई भी बग में देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा, और स्कोर्स वगैरह भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। मैंने जो इस वीडियो में बिल्ड दिखाया ये वेनेला बिल्ड है, ये जीएफ वाला बिल्ड नहीं है, मैंने इसमें फ्लैम जीएफ अलग से इंस्टॉल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मेरे इस डिवाइस में। मैंने जीएफ वाला बिल्ड टेस्ट नहीं किया, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टेस्ट किया था, एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है ओक्टा वीओएस के ऊपर, तो वो जीएफ वाला था, लेकिन ये जो है ये वेनेला बिल्ड है, इसलिए इसमें मैं वेनेला बिल्ड के बारे में ही बता रहा हूँ, जिसमें कि सभी फीचर्स ऑलमोस्ट परफेक्टली वर्क करते हैं। लेकिन एक बग मुझे इसमें ज़रूर देखने को मिला है, वो है नियर बाई शेयर से रिलेटेड। नियर बाई शेयर में इसमें प्रॉब्लम आता है कि कोई भी फाइल इसमें शेयर होता ही नहीं है, ओपन हो जाता है, नॉर्मली वर्क करता है, वर्किंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये डिटेक्ट ही नहीं होता है, अगर डिटेक्ट हो भी जाता है तो इसमें कुछ शेयर नहीं होता है, जो कि पर्सनली मुझे एक बग लगा। उसका फिक्स अगर आप कोई भी शेयरिंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे शेयरमी वगैरह को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है, एमएक्स शेयर वगैरह को भी आप यूज कर, आप शेयरिंग के लिए इन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, लेकिन नियर बाई शेयरिंग इसमें परफेक्टली वर्क नहीं करता, या कहें वर्क ही नहीं करता, जो कि डेफिनेटली एक बग मुझे इसका लगा। डीआरएम इन्फो की बात करें तो आपको इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को हमें मिल जाती है इस रोम। हालांकि जो OSS स्टैंडर्ड पे रोम देखने को मिलता है उसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट जनरली हमें देखने को मिल ही जाता है। डायलर इसमें वन प्लस थीम वाला देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओक्टा वीओएस का ये भी एक फीचर मुझे देखने को मिलता है, जो कि आपको
वेनिला बिल्ड में देखने को मिलता है, शायद ये जीएफ वाले बिल्ड में देखने को नहीं मिले। गैलरी जिसमें बाय डिफॉल्ट मिलता है वो नॉर्मल गैलरी आपको देखने को मिल जाता है, इसमें कोई खास प्रमुख फीचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने इसमें ANX कैमरा 3.0 इंस्टॉल किया जिसमें कि MIUI गैलरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है इस रोम में। बाकी कुछ खास इस रोम में और बताने के लिए नहीं है, यही सब कुछ फीचर्स थे जो मैंने बता दिया। अच्छा रोम है, काफ़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस ये दे देगा। एज अ डेली ड्राइवर के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आप इस रोम को कंसिडर कर सकते हैं। इस रोम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करें, अगर आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है तो मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में चला जाना है। इस रोम में यहाँ पे एडवांस में ही डायरेक्ट रिकवरी का ऑप्शन है, तो मैं यहीं से जाऊंगा। लेकिन आप चाहें तो वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस किए रहिए, उसके बाद आप बूट कर जाएंगे रिकवरी मोड पे। मैं डायरेक्टली इसी ऑप्शन को यूज करूंगा। मैं यहां पे स्किप कर देता हूं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट। तो देख सकते हैं रिकवरी मोड में बूट कर चुका है। सबसे पहले हम इसे डिक्रिप्ट कर लेंगे, जो भी पैटर्न है उसको यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट होने के बाद हम सबसे पहले वाइप सेक्शन में जाएंगे, डेलवी कैश डेटा तीनों को वाइप कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमने डाउनलोड किया है फाइल को, वहाँ पे जाके हम फाइल को सिंपली सेलेक्ट करेंगे और फाइल को इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर से वाइप सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे यस लिख के टैप कर देंगे, जिससे कि हमारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा और सक्सेसफुली रोम इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपके इस डिवाइस में। उसके बाद आपको सिंपली रिबूट कर लेना है सिस्टम में, उसके बाद आपका रोम परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार प्लीज़ हमारे इस चैनल मल्टी को सपोर्ट करो और हमारे इस चैनल मल्टी को सब्सक्राइब करो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके इस रोम के बारे में। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।